पीपल, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी ऑन लूप। तो जैसा कि आपको पता चल चुका होगा आज की टाइटल से, आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सी वीड फेस मास्क। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसे कैसे बनाना है और उसे कैसे अप्लाई करना है, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सी वीड फेस मास्क बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल में 4 टेबलस्पून मिल्क और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिया सीड्स। बहुत लोग सब्जा सीड्स भी यूज़ करते हैं, बट हमको वो यूज़ नहीं करना है, हम लोग चिया सीड्स ही यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जा सीड्स के साथ फेस मास्क अच्छा नहीं बनता। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 2 घंटे के लिए सोक कर लेंगे। 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि चिया सीड्स ने अच्छे से मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसकी कंसिस्टेंसी एक स्लाइम की जैसी हो गई है। अब हमें यह मिक्सचर जार में लेना है और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। अब इसे हमें एक बाउल में निकाल लेना है और अब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मास्क को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे, अगर मेकअप पहना है तो भी, और अदरवाइज भी अपने फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। लगाने से पहले हम आपके साथ चेक करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आपके फेस पे एक्ने हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये एज एन एंटी एजिंग भी काम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ड्राई स्किन जिसकी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, उसको ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। और साथ ही साथ इसका एक और फ़ायदा है, वो ये है कि वो किसी भी स्किन टाइप को डिटॉक्सिफाई करता है। तो इतने सारे फायदे हैं इस मास्क में, तो इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इसके रिजल्ट्स। गाइस, इसकी स्मेल तो बहुत ही ऑफुल है, बहुत ज़्यादा ऑफुल है। कोई नहीं, इतने बेनिफिट्स हैं तो बेनिफिट्स के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आपने देखा होगा कि मेरी स्किन पे उतनी ज्यादा एक्ने या उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, आई हैव टैनिंग और कहीं कहीं पर मेरी स्किन पे वाइट स्पॉट्स भी हैं। पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है। इसको नाक पे लगाना बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि इसकी स्मेल बहुत खराब है। तो ये हमने पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर लिया है, थोड़ा बहुत नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर हाँ, थोड़ा बहुत नेक पे भी अप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको, एटलीस्ट वहाँ तक जहाँ तक हमारी नेक विजिबल है। गाइस, हम हेयर बैंड लगाना भूल गए हैं, पर आप मत भूलिएगा हेयर बैंड लगाना क्योंकि आपके बाल बहुत ज़्यादा फेस पे आएंगे और आपके बाल खराब हो सकते हैं, तो हेयर बैंड ज़रूर लगाएं। ओके, सो वी आर गोना कीप दिस ऑन फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। तो आप इसको एक वेट टॉवल से साफ कर सकते हैं या फिर आप फेस को आप अपने डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद ज्यादा मूवमेंट ना करें अपने फेस का, क्योंकि एज एन एंटी एजिंग भी काम करता है, तो आपके रिंकल्स आ सकते हैं। सो बिल्कुल स्टिल रखें और नॉर्मल आप वेट करिए इसको सूखने का। ये जैसे जैसे मास्क ड्राई होता जाएगा आपको स्टिफनेस फील होगी अपनी स्किन पे। तो यहाँ पे मेरा मास्क ऑलमोस्ट सूख चुका है, तब हम इसको वॉश करके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं रिजल्ट्स। ओके, तो मैंने इसे वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा, जो मतलब टैनिंग थी वो भी काफ़ी कम हो गई है और मेरा फेस शाइन कर रहा है, और आई कैन फील कि काफ़ी हाइड्रेटेड है मेरा फेस इस वक्त। इसको वॉश करते समय एक चीज़ मेरे माइंड में आई कि इसका टेक्स्चर एक्चुअल में काफ़ी स्लाइमी है, तो आप वॉश मत कीजिएगा जैसा कि हमने किया, इसको वॉश मत कीजिएगा। आप एक टॉवल लेकर उसको वेट करके और उससे इसको क्लीन कर सकते हैं, उससे ये बहुत जल्दी
छूट जाएगा। पर वॉश करने में क्या होता है कि इसको हमें काफ़ी टाइम तक घिसना पड़ता है और फिर उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा पानी भी वेस्ट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस की है वो ये है, इसको लगाने के बाद थोड़ा सा हमको यहाँ पे इचिंग हो रही है। अब ये क्यों है, क्या रीज़न है ये तो नहीं पता, अभी हमने वॉश किया है। मे बी अगर कुछ इसका अगर रिएक्शन है या ऐसा कुछ है कि ये मेरे को सूट नहीं कर रहा है, तो थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा और हम इसके लिए आपको अपडेट भी कर देंगे। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि इसको पहले पूरे फेस पे अप्लाई करने से आप अपने हाथ पे यहाँ पर इसको लगाकर देख लें, अगर ये आपको रिएक्शन नहीं करता है, अगर नॉर्मल है, तब आप इसको अपने फेस पे लगाएं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, बाकी आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, होपफुली आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।